हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लेवम ड्रॉप्स के बारे में। ये अल्केम लेबोरेटरीज का उत्पाद है और प्राइस की बात करें तो है 100 रुपये। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्लेवम ड्रॉप्स किन किन समस्याओं में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस दवा में मौजूद साल्ट की बात करें तो वो है एमोक्सिसिलिन, पोटासियम और क्लावुलानेट। दोस्तों ये साल्ट एंटीबायोटिक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। इसका इस्तेमाल बच्चों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है और ये बच्चों में होने वाले दोबारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता भी है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक है इसलिए बच्चों में होने वाले कई प्रकार की समस्याओं में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। जैसे कान, नाक या गले में इन्फेक्शन है तो इसे डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। यूरिन इन्फेक्शन के कारण मूत्र रुक रुक के आता है या फिर मूत्र में जलन होती है तो डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। गले में दर्द, सूजन, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की समस्या में भी इसे डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक है इसलिए बच्चों में घाव भरने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इन समस्याओं के अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर बच्चों में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों में इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें क्लेवम ड्रॉप्स की डोज के बारे में तो ये ड्रॉप्स बच्चों के लिए होती है इसलिए बच्चे के वजन और उम्र के अनुसार इसकी डोज अलग अलग होती है, इसलिए इस दवा को आप हमेशा बच्चे को डॉक्टर की सलाह से ही दें। और अगर आप अपने बच्चे को पहले से ही कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो फिर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लेवम ड्रॉप से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस दवा को बच्चों को देने से इससे मतली, उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। वैसे दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट भी हर किसी को नहीं होते हैं, महज कुछ मामलों में ही देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको बच्चे में इस प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।